नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज़ प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए देखते हैं जनपद की कुछ खास खबरें। युवा नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों व आम जनमानस की सुरक्षा हेतु शहर में स्ट्रीट लाइटें व सीसीटीवी कैमरे की मांग को बरकरार रखते हुए पालिका अध्यक्षा के मौन रहने पर आक्रोशित व्यापारी नेताओं ने आज शहर के चौक बाजार में पालिका अध्यक्षा का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और अनिश्चितकाल तक धरने पर बैठने की चेतावनी देते हुए यूपी 76 न्यूज़ को बताया। मामला यह रहा कि आज हम लोग चौक चौराहे पर बच्चला अग्रवाल का पुतला फूंका है। बच्चला अग्रवाल को हम लोग 4-5 बार ज्ञापन देके सीसीटीवी कैमरे की सर लगवाए जाने के लिए, स्ट्रीट लाइटों के जनरेटर जुड़े के लिए, व्यापारी के लिए कार्यालय ऊपर आने के लिए हम लोग ज्ञापन कई बार दे चुके हैं। उसके बाद कई बार हम लोगों ने आंदोलन भी किए हैं। इससे उन्होंने अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, इससे आक्रोशित होकर आज हम लोगों ने पालिका अध्यक्ष का पुतला दहन किया चौक चौराहे पर। और अगर यदि अब भी इनकी आंखें नहीं खुलती हैं तो आगे की कार्रवाई में हम लोग एक हफ्ते के बाद अनिश्चितकाल नगर पालिका के खिलाफ धरने को बैठने को तैयार है। पालिका अध्यक्ष जबकि स्वयं एक व्यापारी है, अब व्यापारी होते हुए व्यापारियों का दर्द नहीं समझ रही, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। पालिका अध्यक्ष को चाहना चाहिए कि इतने ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, अभी तक सीसीटीवी कैमरे शहर में लगवा देंगे जिससे शहर का व्यापारी व आम जनमानस सुरक्षित रहे। स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी, उनसे शहर में रात में अंधेरा जो रहता है उससे मुक्ति मिलेगी जनता को। तो यही सब चीज़ें हमारी, अगर पालिका अध्यक्ष आज हम लोग अभी एक हफ्ता 10 दिन पूर्व हम लोग मसा जुलूस निकाला था, आज पुतला भूखा है, अगर पालिका अध्यक्ष फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हमारा इसी तरीके कार्यक्रम को चलते रहेंगे। एक हफ्ते बाद हम लोग नगर पालिका के खिलाफ अनिश्चितकाल धरने बैठने को तैयार। ठीक है भाई। अशोकानंद पुत्र स्वर्गीय राम शंकर निवासी वृद्धाश्रम मोहम्मदाबाद ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें बताया कि बीते दिन सुबह 9 बजे अतर सिंह, अशोक पंडित व शिवलाल शाक, जिनका एक बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है, जो वृद्धाश्रम में ही रहते हैं, ने आश्रम में भी अपनी दबंगई के मस्त रहने वालों ने अशोकानंद व उसकी पत्नी, ये दोनों भी वृद्धाश्रम में ही रहते हैं, को बिना बात के बहुत बुरी तरीके से पीटा, जिसमें प्रार्थी के गंभीर चोटें भी आई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र सौंपने के बाद यूपी 76 ने उसको बताया। क्या नाम है दादा आपका? अशोकानंद। अशोकानंद कहाँ से आए हो? अलावरपुर आश्रम में रहते हैं, वृद्धा आश्रम। किस शिकायत को लेकर डीएम साहब पास आए हैं आप? अतर सिंह एक वहाँ का बदमाश है, वो वहीं रहता है, तो हम कुर्सी बैठे हुए थे तो पहले उसने थप्पड़ मारी, फिर वो डंडा, मतलब एक ये मारा डंडा है, ये डंडा मारा है हमारे, ये उसको उतार दे। हाँ तो क्या, और जब ये बचाने गए तो इनको भी धक्का दिया उसने, और फिर लात और घूसों से इनको भी मारा। क्यों मार रहा है आप लोगों को, काहे के लिए ये ऐसा कर रहा है? मतलब वहाँ हम सुंदरकांड वगैरह का पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वहाँ पर एक दाढ़ी वाले बाबा हैं, वो भी अशोक पंडित हैं, तो वो ये जलते हैं कि ये व्यवस्था हमारी होना चाहिए, उनको मतलब मिल नहीं रही, तो वो जलन के वजह से हमको था मारा। तो आप डीएम साहब पास आए, डीएम साहब ने क्या अनुशासन आपको दिया है? हमने ये, उन्होंने कहा कि मतलब तुम चिंता न करो, जहाँ रह रहे हो तहाँ रहो आराम से, कार्रवाई पूरी तौर से की जाएगी, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मामलाबाद मतलब थाने में आप चले जाइए, आपकी पूरी व्यवस्था होगी। ग्राम कुबेरपुर पोस्ट तितौली जनपद मैनपुरी निवासी वर्तमान शुक्रुल्लापुर निवासी गयादीन शाक ने जिलाधिकारी को कोल्ड स्टोर मालिक से 99 पैकेट अपने आलू दिलाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा और यूपी 76 न्यूज़ को बताया। क्या नाम है आपका? गयादीन शाक। किस शिकायत को लेकर डीएम साहब पास आए हैं आप? हमारी जो है खेती नष्ट कर दी गई है, हम जो है किराए पर लिए थे अमन प्रकाश अवस्थी से, जो है 25 बीघे जमीन, 3 साल का हमारा एग्रीमेंट था, 3 साल के बाद 1 साल बिना एग्रीमेंट के हुई, फिर 5वीं साल के लिए एग्रीमेंट तय हुआ, तो हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने हमसे 50,000 का चेक ले लिया और ये कहा कि हम जो है मंगलवार को अगले दिन चल करके हम आपका एग्रीमेंट कर देंगे, और फिर जो है 10 दिन तक उन्होंने टालमटोल की और एग्रीमेंट नहीं किया। उसके बाद आए हमारे पास कि ऐसा करो जो है चेक हमसे जो है वापस ले लो और जो है हमें आलू की पर्चियाँ दे दो।
तो हमसे आलू की पर्ची ले गए और जो है चेक वापस नहीं किए, चेक को बैंक में लगा दिए, बाउंस हो गया और खेत जो है दूसरे को दे दिए और खड़ी फसल 25 बीघे जिसका करीब 3.5 लाख रुपए हमारा मेहनता की फसल थी वो उन्होंने ज़बरदस्ती कटवा ली मिलजुल करके इधर से उधर, और जो है करीब जो है 7 लाख रुपए की हमारी औषधि फसल जो है सतावर की खड़ी थी उसे जो है नष्ट करा दिए। 20,000 रुपए का हमारा लहसुन रखा हुआ था कमरे में वो भी हमारा ताला तोड़ करके निकाल लिया गया। वही शिकायत लेकर के आलू की पर्ची हमारी जो है उनके पास है और आलू कोल्ड स्टोर वाले मालिक जो है इसके काश्तकार कोल्ड स्टोर के वो जो है पहले हमें आश्वासन देते रहे कि आलू जो है आपको ही देंगे आपके नाम से है, और अभी जो है 3-4 दिन पहले से जो है ये कह रहे हैं कि अब आलू हम नहीं देंगे और जो है आप अपना जो है आदेश करा के लाइए। तो हम DM साहब के पास आज आए थे तो उन्होंने कहा कि जो है थाने पहुंच जाएगी, आप थाने में जा करके संपर्क करो। सागर दास पुत्र भोला मुनि निवासी ढाईघाट थाना शमशाबाद ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी को प्रार्थना पत्र सौंपा जिसमें बताया कि वह एक आश्रम की देखभाल करते हैं और उसी के लेंटर डलवाने हेतु 10,000 रुपए का चंदा लिया जिसे स्वदेश पुत्र जगबीर ने अपने 2 साथियों सहित चोरी कर ले भागे। प्रार्थना पत्र सौंपने के बाद सागर दास ने UP76 न्यूज को बताया। हम ढाईघाट रहते हैं, सिंहसरा थाना में। SP साहब के पास आए हैं, क्या मामला है आपका पूरा? हमारी चोरी हुई आश्रम में उसके FIR दर्ज कराई। SO साहब ने 2-4 दिन का मोहलत मांगा कि हम उनको पकड़ेंगे, पर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। आपके आश्रम में चोरी हुई थी? कौन सा आश्रम है? गोलामुनी नाम से आश्रम बना हुआ है ढाईघाट। तो आपने थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? थाने हमने FIR लगाई तो ISO साहब ने एक दबिश भी मारी, उसके बाद उस मुंजम ने हमारे ऊपर फायर भी किया। क्या नाम है उसका? उसका नाम सुदेश है जी। अच्छा सुदेश है। थाना पुलिस सुनवाई नहीं कर रही? SP साहब से मिले आप? क्या कहा उन्होंने? SP साहब ने कहा जाइए आप अच्छी सुनवाई। कितने दिन हो गए? करीब 28 तारीख तक। किसी 28 तारीख तक